अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा मैसेज देने के लिए आया, दो चार पॉइंट्स होंगे, अगर वो आपने अपना लिए तो आप लोग इलेक्शन के अंदर कामयाब हो जाएंगे। 8 फरवरी को आ रहा है इलेक्शन, आ रहा है, आपको पता है कि सारे सादा लिबास लोग वहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने डॉलर लिए हुए तो उनको तुम्हारे नवाज चाहिए, है ना। लेकिन 90% पोलिंग के हिसाब से खान साहब जीत जाएंगे। आपने करना क्या है, स्ट्रेटजी आपने क्या आपने लेके चलनी है, दूसरों लोग की गाड़ी, खान साहब तो गाड़ियाँ कभी देते भी नहीं, खैर दूसरों की गाड़ियों में बैठ के अपने अपने पोलिंग पे आना है आप, सही ना। वहाँ पे सारे खेमे लगे होंगे, पीटीआई के, नवाज शरीफ के, सबके लगे होंगे, सही है, भुट्टो के, जो भी है, वट एवर। आपने पीटीआई के खेमों से पर्ची नहीं बनवानी, ओके, क्योंकि उनकी नज़रें होंगी पीटीआई के पास, सपोर्टर आ रहे हैं, सही ना, तो आपको अंदर आपको जाने नहीं देंगे और वो लोग ले महसूस करेंगे आपका तो वोट यहाँ पर है ही नहीं, या फला जगह पर, या फला जगह पर, क्योंकि ये है। अगर आप अपने अकल से चलेंगे तो वोट सिर्फ खान साहब को डल करें, सही है ना। जब आप लोग नवाज शरीफ के जिए भुट्टो के नारे मारेंगे, या शेर शेर के नारे मारेंगे, जिसके भी जो भी वट एवर पार्टी, सही है, तो आप लोग अंदर इजी भी चले जाएंगे। जब अंदर जाएंगे उधर भी जाके आपने नारा मारना, जिए भुट्टो, जिए शरीफ, बला बला बला, जो भी वट एवर, ओके। आपने उनको एंड टाइम तक ये बताना आपने वोट पीटीआई को डाल दिया, ओके, क्योंकि जहाँ पे आप लोग अंदर जाते हैं वहाँ तो कोई बंदा नहीं होता बैठा हुआ, यहाँ पर आपको अपना साइन करनी पड़ती है बल्ले पे, जो भी है। उसके बाद अंदर जब जाएंगे तो वहाँ आपने नारे मार देने जाके भुट्टो छुट्टो के, लेकिन जब अंदर जाएंगे एक्यूरेट जगह पे जहाँ पे बैलेट बॉक्स पड़ा होता है, जहाँ पर आप ठप्पा लगाते हो, वहाँ पर आपने खान साहब को लगाता है। अगर आपने ये बता दिया, या पीटीआई के कैंप से अगर आपने पर्ची ले ली, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। अंदर भी जाएंगे आपने उस ऑफिसर को भी नहीं बताना कि आप किसको वोट डालने, आपने सिर्फ नारा मारना, जिए भुट्टो, जिए शरीफ, जिए शरीफ, जिए भुट्टो, बस ये आपने बोलना। जब ये बोलेंगे ना, आपका वोट भी उसी जगह पे ही मिलेगा जिस इलाके में आप रहते हैं, और उसी जगह पे ही आप अंदर भी चले जाएंगे इजीली। लेकिन अंदर तो जाके आपने वही काम करना है, इमरान खान को ही डाल करा है, बस ये कर ले आपने कामयाब हो जाना, और बाहर आके आपने बोल देना है बस कैंपों में सब पीटीआई के सामने, ये करना है तो वो ये करना है, उनको पता चल जाएगा आपने वोट हमें डाल करा है, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएँ, क्योंकि इलेक्शन नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक खान साहब को आपको लेकर आना है। आवाम की पावर के सामने कोई इस्टेब्लिशमेंट मुकाबला नहीं करती, वो 5 लाख लोग हैं, ये तो करोड़ है, 2 करोड़ और बढ़ा है, पता भी आपको 10.5 करोड़ था लास्ट ईयर, 12.5 करोड़ इस टाइम पर वोटिंग करेंगे। कामयाब कराना खान साहब को, मुल्क में हकीकी आज़ादी चाहिए आपको, तो आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, आज़ादी पेट में रख के आपको नहीं मिलेगी। अच्छा लगे शेयर करें, जितने लोगों तक मेरा मैसेज जाएगा उतना ये लोगों को ये स्ट्रेटजी पता चलेगी कि कैसे हमें वोटिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।